जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के ऑल इंडिया से भर पाओगे और फॉर्म भरने के लिए आपको कोई फीस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म और जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन को उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। जॉब्स ज्ञान सर्च करने के बाद आपको यहां पर पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहां पर आ जाओगे, फिर आपको टूडे बेस्ट जॉब से HKM2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर रिक्रूटमेंट को ओपन कर लेना है। अगर आपको ये यहां पर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आपको जो सर्चिंग है सर्चिंग में जाकर के आपको सिंपली HKM2 सिग्नल ट्रेनिंग इतना ही लिख देना है। इतना लिखने पर ये पोस्ट यहां पर सर्चिंग में आ जाएगी। सर्च करने के बाद में तो फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में चेक कर सकते हैं कि ये भर्ती किन किन पोस्ट पर निकाली है, टोटल वैकेंसी कितनी है। अप्लाई का मोड ऑफलाइन रहेगा, 10वीं 12वीं या डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लोग इस फॉर्म को 3 जुलाई 2021 से लेकर के 23 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। फिर यहां पर आप पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी जा रही है और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है उसकी जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस और एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना भी दी है, आप उस वीडियो को वॉच करके एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं। अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ को ओपन करना है। और इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं या मोबाइल से आपने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इसको न्यू टैब या डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये करने के बाद आपके सामने इसका ऑफिशियल पीडीएफ आ जाएगा जहां पर आप ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। इसके अलावा यहां पर जो जानकारी जानने वाली है वो ये है कि आपको ये जो फॉर्म सेंड करना है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है और इस एड्रेस के ऊपर आपको इसको सेंड करना होगा जो कि दी कमांडेंट हेडक्वार्टर्स टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पंजी गोवा 43021 एड्रेस के ऊपर इसको सेंड करना है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आना है 6 पेज पर और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जो यहाँ से आप पार्ट देख पा रहे हो इस पार्ट को आपको प्रिंट करा लेना है और 4-5 फोटोकॉपी लेकर के आनी है ताकि जब आप फॉर्म को भरें और आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको न्यू जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है क्योंकि कटिंग वाला पेज रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको जानकारी कैसे भरनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यहां पर आपको अपनी उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो। जो ऊपर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको खाली छोड़ देना है। रेफरल न्यूज़पेपर, तो ये जो भर्ती आई है ये इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के 2 से 9 जुलाई 2021 के एडिशन के अंदर आई है तो आपको 2/02-09/2021 ऐसा आपको यहां पर लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। आपको यहीं पर नोटिफिकेशन में आता है और ये जो नंबर यहां पर आप देख पा रहे हो नोटिस नंबर 1303/CIV/RV-2020 ये आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों डेटेड, आप किस डेट में इस फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट आपको यहां पर लिख देनी है। इसके बाद आता है टू कमांडेंट, ये आपका एड्रेस है जो बेसिकली जहां पर फॉर्म को सेंड करना होगा। इस तरफ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है जो कि आपको खुद इस सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी से अटेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे आते हैं फर्स्ट पॉइंट में, आपको अपना पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। सेकंड पॉइंट में आपको अपने पिताजी का नाम देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही। थर्ड पॉइंट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर, इसी वे में भर दीजिए जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया है। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है 23 जुलाई 2021, उस डेट तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने दिन की हो जाती है आपको एज काउंट करके यहाँ पर ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे लिख देना है। कैटेगरी विच टू विच बिलोंग्स टू, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। कैटेगरी टू विच अप्लाइड फॉर, तो 6 पॉइंट में आपको
वो कैटेगरी लिखनी है जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको खुद की कैटेगरी लिखनी है और सिक्स पॉइंट में आपको वो कैटेगरी लिखनी है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो या करना चाहते हो। सेवन पॉइंट में अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो इसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। एट पॉइंट है वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप वो विकलांग तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। नाइन पॉइंट में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना होगा और टेन पॉइंट में रिलीजन, जिस जो भी आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिख दीजिए। इलेवन पॉइंट में आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है, जैसे कि हाउस फ्लैट नंबर जो भी एप्लीकेबल हो रहा है उसके सामने वही लिख दीजिए। विलेज लिख दीजिए, आपकी तालुका यानी कि तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट क्या हो यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सी है, आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या हो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपसे पूछा कि क्या आप किसी एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है रोजगार कार्यालय उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, अगर हाँ तो यस लिख दीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर आप यस लिख रहे हो तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। थर्टीन पॉइंट है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, अगर दो नंबर है तो दोनों लिख दीजिएगा। आधार नंबर आपको 14 पॉइंट के अंदर लिखना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। 16 पॉइंट में आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो नेम ऑफ एग्जाम पास्ट के अंदर पहले आपको 10th लिखना है, किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो आपको ईयर ऑफ पासिंग में लिखना है। नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपको उस बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। यहाँ पर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर लिख देना है, बेसिकली परसेंटेज लिखनी है जितनी परसेंटेज आपको आई थी। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको लिखना है। और रिमार्क्स क्या था, पास फेल या फिर डिस्टिंक्शन, वो आपको बताना है। सेकंड पॉइंट में अगर आपने 12th भी किया तो यहां पर 12th लिख दीजिए, या फिर अगर आपके आप कोई आईटीआई या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th के बाद की वो क्वालिफिकेशन यहां पर मेंशन करके उसकी जानकारी सेम तरीके से दे दीजिए जैसे कि आपने 10th की जानकारी दी है। साथ ही आपको इन दोनों की जो फोटोकॉपी है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहां पर आपको यस लिखना है और साथ ही उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप यहां पर उस पोस्ट नाम लिख दीजिए और किस लेवल पर हो, किस लेवल का पे स्केल मिलता है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। अगर आप फ्रेशर है तो आपको इन पॉइंट को खाली छोड़ देना है। नीचे आपका डिक्लेरेशन है, यहां पर आपको इसको रीड करने के बाद अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर दोस्तों बोला कि सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली अफिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प्स अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। यहां पर दोस्तों आपको एक सेल्फ एड्रेस जो है वो इसी फॉर्म के साथ सेंड करना है और आपको यहां पर यह बताना है इस जगह के अंदर कि आपने इसके अंदर कितनी कॉपीज को यूज किया है, उतनी कॉपीज को यहां पर आपको लिख देना है। जैसे कि आप इसमें 10th की मार्कशीट सेंड करोगे उसकी फोटोकॉपी, 12th की, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और इसके अलावा अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी दी है और उसका सर्टिफिकेट आप दे रहे हो तो उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर कर रहे हो उनकी सीट कितनी हो जाती है वो सीट यहां पर लिखनी है, जैसे कि 4, 5, 6 जो भी है वो यहां पर आपको इस जगह के अंदर लिख देनी है। नीचे फिर आपको आना है और नीचे आने पर आपको सेम तरीके से जानकारी भरनी है जैसे कि जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है जो कि मैंने आपको बताई है, तो आपको ये सब जानकारी यहां पर भर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपका एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, आपको यहां पर अपनी पोस्ट का नाम देना है। बेसिकली ये ऑफिस यूज के लिए है, आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कैटेगरी कौन सी है और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, सेम तरीके से जानकारी भर देनी है। यहाँ पर आपको फिर से सेम तरीके से जानकारी भरनी है जैसे कि यहाँ पर आपको दी जा रही है और इस तरफ आपका फोटो आपको चिपका देना है। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है, या फिर आपके पास जो खुद का OBC सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। आप इसको नहीं भरना चाहते तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप इसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, सन डॉटर ऑफ श्री के सामने आपके फादर का नाम लिखना है, रेसिडेंट ऑफ यहां पर आपको अपने जो विलेज है उसका नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, स्टेट लिखनी है, पैलेस किस जगह से हो, डेट किस डेट में भरा है, यहाँ पर सिग्नेचर और नीचे अपना नाम, ये करके आपको यहाँ पर इसको भी इसी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। और जो आपको इस फॉर्म को सेंड करना है वो आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा जो एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बड़े अक्षरों में, और जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो उस पोस्ट का नाम लिख दीजिए, और ये आपका कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आपको
लिख करके भी दिखाया है। ये एनवलप के ऊपर होना चाहिए और एनवलप के ऊपर आप पोस्टल स्टाम्प 10 या 15 का चिपका दीजिएगा जो कि वैलिड माना गया हो। और इंप्लॉयमेंट नोटिस आप देख सकते हैं EN 1466, यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा, या जैसा कि मैंने आपको बताया आप वो भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपका 3 से 9 जुलाई 2021 का है। तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है कि कैसे इस फॉर्म को भरना है और कहाँ पर सेंड करना है। तो ये थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना होगा। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।